पास पेपर की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एक ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल होती है जी। डबल रिफ्रैक्शन इससे भी होती है, रिफ्लेक्शन इससे भी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ई, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। देखो ये बहुत आती है अच्छे से। इनके अलावा एक और चीज़ से भी होती है, खाली रिफ्रैक्शन से भी होती है, यानी रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चारों चीज़ों से होती है। यहाँ तो खैर तीन का ही जिक्र है, तो आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर है द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील विद द मेजरमेंट ऑफ। ऑप्शन ए वेवलेंथ, बिल्कुल जी। दूसरा इंडेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एटम्स, इसको भी करता है। तीसरा इंडेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटम, इसको भी करता है। तो डी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इस नंबर पर मोबाइल पर रब्ता कर सकते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है पोलराइजेशन। कह रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव बाय टू क्रिस्टल, द फर्स्ट क्रिस्टल इज नोन हैज डैश, वेयर इज सेकेंड क्रिस्टल इज नोन हैज डैश। यानी अगर पोलराइजेशन में वेव है और दो क्रिस्टल हैं, फर्स्ट क्रिस्टल डैश कहलाता है और दूसरा डैश कहलाता है। तो ऑप्शन है पोलराइजर, एनालाइजर, वाइब्रेटर, प्रोपेगेटर, एनालाइजर, पोलराइजर, पोलराइजर, वाइब्रेटर। तो करेक्ट आंसर है पोलराइजर और एनालाइजर।